जबलपुर में श्री शारदा दुर्गोत्सव समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने बताया कि समिति द्वारा इस बार अयोध्या के प्रस्तावित श्री रामलला मंदिर की अनुकृति का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लगभग 40 फीट ऊंचाई रहेगी। इस मंदिर की अनुकृति का निर्माण लगभग 25 कारीगर के द्वारा हुआ है। नवरात्र की पंचमी से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अष्टमी और नवमी में मंदिर में 1000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। यह अनुकृति शहर के लिए ऐतिहासिक रहेगी। समिति विगत 26 वर्षों से विभिन्न झांकियों जैसे लंदन ब्रिज, चलित एरोप्लेन, मेट्रो ट्रेन, ताजमहल, लक्ष्मण झूला, व्हाइट हाउस, ओपेरा हाउस, चलित क्रूज आदि झांकियों का निर्माण कर चुकी है और जो शहर के लिए चर्चा का विषय रही। इस बार की अनुकृति में लगभग 7 लाख की राशि खर्च हो रही है, जो समिति के सदस्यों एवं कॉलोनी के लोगों से एकत्रित की गई है। समिति द्वारा सप्तमी से लेकर नवमी तक भंडारे का आयोजन किया गया है। पत्रकार वार्ता में गुड्डा दास संजय चौक से, आदित्य शर्मा महेश चौक से, पंकज गौतम, कुलदीप सोनी, अनिल रजक, करण विश्वकर्मा, प्रमोद मनीष आदि समिति के सदस्य उपस्थित रहे। झांकी का निर्माण राजेश पिल्ले और उनके 25 साथियों के द्वारा पिछले एक महीने से किया जा रहा है। और जैसा कि दादा ने, गुड्डा भैया ने बताया, उसके अलावा हमारा एक हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे संजीवनी नगर के लोगों को, जो हमारा बहुत सहयोग करते हैं। यानी इतनी व्यवधान पड़ता उसके बाद भी जो हमारे साथ सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। महाआरती हमारे नवमी के दिन होगी और सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा तक हमारे यहाँ रेगुलर भंडारे चलते रात में। आदित्य शर्मा, श्री शारदा दुर्गोत्सव समिति का ये 43वां वर्ष है। विगत 26 साल से श्री शारदा दुर्गोत्सव समिति नए नए झांकियों का निर्माण करती है। समिति ने पहले ताजमहल, मेट्रो ट्रेन, क्रूज, व्हाइट हाउस आदि निर्माण किया है। इस बार अयोध्या का जो प्रस्तावित राम मंदिर है, उसका निर्माण किया जा रहा है और इसकी लागत कम से कम 7 लाख रुपए है। इसको बनाने के कारीगर हमारे जबलपुर के हैं, श्री राजेश पिल्ले जी द्वारा और उनके 25 साथियों द्वारा इस अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और इस अयोध्या के निर्माण की विशेषता ये है कि हमारी समिति द्वारा अष्टमी और नवमी को 1000 दीपों का दीपोत्सव भी किया जाएगा। वो एक बहुत ही अच्छा जन आकर्षण का केंद्र रहेगा। मैं जबलपुर की समस्त जनता से अनुरोध करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारे यहाँ के माता रानी के दर्शनार्थ करें। कब तक बनके तैयार ये हमारा पंचमी को बनके तैयार हो जाएगा। वैसे हम लोग की कोशिश है कि बैठकी में हमारी मूर्ति आ जाती है, आगमन होता है और प्राय प्राय कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन दर्शनार्थियों के लिए हम लोग पंचमी के लिए चालू कर देंगे। राम मंदिर बनाने में टोटल हमारा 7 लाख का खर्चा आ रहा है। क्या विचार था इस बार? क्या मंदिर इस बार विचार यही था कि अभी पूरा जो अभी हमारी समिति जो नया कॉन्सेप्ट चलता है हर साल, जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार आए थे तो हम लोग ने तब व्हाइट हाउस का निर्माण किया था। इस प्रकार अयोध्या का प्रस्तावित राम मंदिर बनने जा रहा है तो उसी को लोगों को उसके पहले उसके प्रारूप, उसका नक्शा किस प्रकार का बनता है, एक छोटी सी झांकी का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। मैं गुड्डा दास बोल रहा हूँ, जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।